हेलो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम सीखेंगे कॉन्ट्रैक्टर को कैसे होल्ड करते हैं। कॉन्ट्रैक्टर बेसिकली यूज़ होता है थ्री फेज की मोटर या फिर थ्री फेज के हीटर को चलाने के लिए। ये हमारा कॉन्ट्रैक्टर है, ये सनाइडर का एसी कॉन्ट्रैक्टर है, एसी कॉइल है इसकी, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए सनाइडर का है, और इस कॉन्ट्रैक्टर के बारे में आपको समझा देता हूँ इसमें क्या 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 होता है, कैसे क्या होता है। ये होते हैं इसके L1, L2 और L3। यहाँ पे मोटर की मेन सप्लाई की इनपुट आती है और यहाँ से आउटपुट निकलती है, जो कि मोटर में या फिर हीटर वगैरह में, जो थ्री फेज के हीटर होते हैं, थ्री फेज की मोटर होती है, उसमें डायरेक्ट यहाँ से सप्लाई चली जाती है। ये किसका NO पॉइंट है, ये NC पॉइंट है, ये NC होगा, ये NC होगा, ये तो इसके NC पॉइंट है, ये A1, ये A2, ये हमारी कॉन्टैक्टर की मेन कॉइल होती है जहाँ पे हम सप्लाई देते हैं। और मान लो कॉन्टैक्टर का हमें ना पता हो कि ये AC का है या फिर DC कॉइल का है, तो हम यहाँ पे देखने से हमें ये पता लग जाता है AC कॉइल है या फिर DC कॉइल है। ये देखिए दोस्तों, देखिए 220 वोल्ट, 50/60 हर्ट्ज, मतलब ये 220 वोल्ट हो गया, और ये जहाँ पे भी हर्ट्ज आ गया तो मतलब कि ये AC है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी AC में ही होती है, DC की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होती। चलो अब इस कॉन्ट्रैक्टर को कैसे होल्ड कराते हैं, मोटर को चलाने के लिए या फिर हीटर को चलाने के लिए। जैसे कि हम एक पुश बटन दबा दें, पुश बटन दबा दबते ही ये कॉन्ट्रैक्टर होल्ड हो जाता है, और जैसे ही हम एक फिर NC डबल दबाते हैं तो इसकी ये होल्डिंग टूट जाती है और मोटर या फिर जो हीटर है वो बंद हो जाता है। इसका हम बेसिक सर्किट डायग्राम है वो बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर हम इसके प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। तो ये कॉन्ट्रैक्टर है, ये हो गया कॉन्ट्रैक्टर, ये A1, ये A2, ये इसकी कोयल हो गई, और ये इसका T1, T2 और यहाँ पे T3, जहाँ पे हमारी मेन सप्लाई आई थी। ये फेज हो गया, एक दो, ये थ्री फेज हो गए, और ये UVW जहाँ पे मोटर की सप्लाई जाएगी। ये कोयल हो गई, और ये इसका एक NO पॉइंट हो गया, ये इधर से देखिए NO हो गया, देखिए NC हो गया, देखिए NC हो गया। अभी हम इसकी ये जो फेज है इनको हम छोड़ देते हैं, फिलहाल एक सिंपल सर्किट में बना के दिखा देता हूँ। ये A1, ये A2, ये NO हो गया, ये NO हो गया, ये NC हो गया, और ये एक NC हो गया। अब हम इसको होल्ड कैसे करेंगे, ये मान लो लाइन हो गया, ये न्यूट्रल में हम डायरेक्ट न्यूट्रल सप्लाई से दे देंगे, और यहाँ पे इसमें दो स्विच लगेंगे, एक तो उस मोटर को स्टॉप करने के लिए, कॉन्ट्रैक्टर की होल्डिंग को तोड़ने के लिए, और दूसरा लगेगा NO मोटर को चलाने के लिए। ये होगा नॉर्मली ओपन, ये होगा नॉर्मली क्लोज, ये NC की फुल फॉर्म होती है नॉर्मली क्लोज, NO की फुल फॉर्म होती है नॉर्मली ओपन। ये वो पुश बटन है जो नॉर्मली ओपन रहता है, जब दबाते हैं तभी वो प्रेस होता है, और ये पुश बटन जो होता है इसमें NC कॉइल NC एलिमेंट लगा होता है, जो कि नॉर्मली क्लोज ही रहता है, तब उसको दबाते हैं तब उसका सर्किट ओपन हो जाता है। अब ये यहाँ से लग गया, अब इसकी हम होल्डिंग कैसे करते हैं, ये जो दो NO पॉइंट है यहाँ से बेसिकली दो वायर उठेंगी, बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में आपको समझाने के लिए क्या करेंगे हम, यहाँ से दो वायर उठेंगी, एक NO की
जो ये स्विच होता है, स्विच के दो पॉइंट होते हैं, एक तो स्विच से पहले लग जाएगी और दूसरे एंडो की वायर आई उठ के यहाँ से जंप हो गया, इस स्विच के पहले लग जाएगी। बस इतना सा सर्किट है और हमें कुछ नहीं करना है। ये दो एनो पॉइंट है, यहाँ से एक वायर उठेगी एनो से, वो जो अपना नॉर्मली ओपन पुश बटन होगा उसके पहले लग जाएगी और दूसरे एनो से उठेगी इससे बाद, मतलब पहले लग जाएगी और ये एनो की एक वायर इससे बाद लग जाएगी। बस जैसे ही हम पुश बटन दबाएंगे ये सर्किट हमारा होल्ड हो जाएगा और जैसे ही हम इसको दबाएंगे ये सर्किट का कॉन्टैक्ट टूट जाएगा, कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। अब इसको मैं आपको इस कॉन्टैक्टर में करके दिखाऊंगा लाइव डेमो। दोस्तों ये छोटी छोटी जो चीज़ें होती है यही आगे जाके, इन्हीं सर्किट से आगे जाके बड़े पैनल बनते हैं और ये छोटी छोटी चीज़ें आप सीखोगे उसी से आप बड़े पैनल सीखोगे। दोस्तों ये हमारी पावर सप्लाई आ चुकी है, ये लाइन है, ये न्यूट्रल है, ये देखिए इसमें शायद आपको दिख रहा हो या ना दिख रहा हो, ये इसमें टेस्टर में दिखा देता हूँ आपको। देखिए टेस्टर ग्लो कर रहा है, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है। अब हम ये जो सर्किट बनाया है उससे ये होल्ड करा के दिखाएंगे। ये मोबाइल कट कर लेते हैं, ये एनसी हो गया, ये हो गया एनो, बिल्कुल एज इट इज यही सर्किट हमें बनाना है। ये लाइन आ गई, ये लाइन है, ये लाइन और ये न्यूट्रल, ये लाइन आगे सीधी गई ए वन में, ये गई सीधी ए वन में। जाएगी डायरेक्ट ये न्यूट्रल, न्यूट्रल चले डायरेक्ट चली गई ए टू में। अब हमें इसको होल्डिंग कराने का सिस्टम स्टार्ट करते हैं। एनो से दो वायर उठाएंगे, ये एक एनो यहाँ से दो वायर उठेंगी। अब ये सर्किट देखिए, एक वायर एनो से उठी, ये पुश बटन। दोस्तों मेरे पास पुश बटन नहीं है, पुश बटन की जगह मैंने ये जॉइंट लगा दिया है जिससे मैं आपको समझा पाऊँ। ये हमारा हो गया एन सी, ये हो गया एन नो, ये था हमारा एन सी, लाइन आई ये एन सी हो गया और ये पुश बटन ये हो गया हमारा एन नो। अब ये दो वायर है जो इसके एन नो से निकली है, एक वायर इस कैनो से निकली है जो पुश बटन के बाद, जैसे ये हमारा पुश बटन है यहाँ पे, ये पुश बटन है, या तो इसको फिर यहाँ से इस जॉइंट पे अटैच कर देंगे या फिर इसके एनो में दे देंगे, बात एक ही है क्योंकि ये इसका ए वन में गई हुई है ये वायर, तो उसके वहाँ से उठा के वायर चाहे तो इससे पहले इसके पुश बटन के यहाँ पर लगा दो या फिर यहाँ पर लगा दो, बात एक ही है। तो हम ए वन में लगा देंगे इसको, एनो को ए वन से जॉइंट कर देंगे। ए वन से हमने इसको जॉइंट कर दिया है, जो दूसरी वायर है वो हमारी पुश बटन से पहले लग जाएगी। ये देख लीजिए एनो की वायर है ये दूसरी, ये यहाँ पे गई हुई है पुश बटन से, एक तो ये पहले लग गई है पुश बटन के और दूसरी पुश बटन से पहले लग जाएगी। ये हमारा पुश बटन है, पुश बटन से पहले वो यहाँ पे अटैच हो जाएगी, मतलब कि हमारे एनसी में। अब ये लीजिए हम यहाँ पे इसको
अटैच कर देते हैं और ये हमारी पुश बटन हो गया एनसी टाइप, ये एनसी हो गया, ये वाला ये एनसी हो गया, ये एनओ हो गया हमारा। बाकी हमने सर्किट एज इट इज़ बना दिया है। अब हम पावर को ऑन करते हैं और आपको इसको होल्ड करके दिखाते हैं। चलिए दोस्तों, ये यहाँ पे पावर आ चुकी है, अब हम इसको होल्ड कराएंगे। ये हमारा पुश बटन है, जैसे हम इसको पुश बटन को प्रेस करेंगे तभी कॉन्टैक्टर होल्ड हो जाएगा, शायद आपको आवाज़ भी आएगी। ये देखिए ये आवाज़ आई है और कॉन्टैक्टर होल्ड हो चुका है। मैं आपको यहाँ से भी शो करके दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये अंदर जा चुका है तो ये कॉन्टैक्टर होल्ड है। अब यहाँ से जो थ्री फेस आए हुए थे वो थ्री फेस यहाँ से बाहर चले जाएंगे क्योंकि कॉन्टैक्टर वो ऑन हो चुका है। अब जैसे ही हम यहाँ से, ये हमारा एनसी है, मतलब ये हमारा स्टॉप बटन है, जैसे ही हम इसको प्रेस करेंगे तो ये सर्किट टूट जाएगा और ये ऑफ हो जाएगा। ये देखना आपको दोबारा वापस से आवाज़ आएगी। ये देखिए दोस्तों, वो हट चुका है, एक बार दबाने से वो हट गया। अब हम इसको दोबारा से होल्ड करा के दिखाएंगे। जैसे ही मैं इसको, ये देखिए दोस्तों, ये बाहर आ चुका है, ये ऑफ हो चुका है। अब जैसे ही मैं इसको दोबारा फिर पुश बटन दबाऊंगा, ये दोबारा से होल्ड हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये होल्ड हो चुका है। अब जैसे ही मैं यहाँ से इसको एनसी को दबाऊंगा, स्टॉप बटन को दबाऊंगा, दबाते ही ये ऑफ हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, ये ऑफ हो चुका है। जैसे ही दोबारा से इसको पुश बटन दबाऊंगा, ये होल्ड हो चुका है, ये ऑफ हो चुका है। बेसिकली ये इस तरह से कॉन्टैक्टर की होल्डिंग होती है। ये इन्हीं से बन के बड़े पैनल बनते हैं, तो इसको आप ध्यान से, अगर मान लो समझ ना आए तो इस सर्किट को देखना, और सर्किट को देखने के बाद फिर इस सर्किट को देखना जो मैंने बनाया है, सेम एज इट इज़ यही सर्किट बनेगा। ओके दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करिए। अगर मान लो कोई डाउट आपका है जो क्लियर नहीं हुआ है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं कोशिश करूँगा आपके डाउट को क्लियर करने की। ओके, थैंक यू दोस्तों।